तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, कई मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर लिखे गए देश विरोधी नारे, G20 समिट से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में माहौल खराब करने की साजिश। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजा पहला ऑब्जर्वेशन संदेश, चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान, 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तापमान। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चॉकलेट बनाई फैक्ट्री में पहुंचकर प्रोसेस सीखा, बोले ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। भाजपा नेता ने कसा तंज, बोले कांग्रेस का प्रधानमंत्री चॉकलेट खाने में बिजी। लोकसभा चुनाव 2024 में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा, 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे, राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट को मिलेगा मौका। पूर्वोत्तर में चीन सीमा तक होगी रेल कनेक्टिविटी, भूटान म्यांमार को भी जोड़ने का प्लान, केंद्र सरकार ने जारी किए 1.20 लाख करोड़ रुपए। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को दिए 11 वचन, कहा डूबती नया बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही बीजेपी। भाई को मारा, माँ को निर्वस्त्र कर घुमाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले दलितों पर अत्याचार की प्रयोगशाला बना मध्य प्रदेश। ताइवान में खुला पहला हिंदू मंदिर, भगवान शंकर और श्री राम की है प्रतिमा, भारतीय बोले प्रभु श्री राम भारत के नहीं पूरी दुनिया के हैं। एमएसएमई सेक्टर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा देश के विकास के लिए मध्यम सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उद्यमों को बचाने के लिए एकल GST लागू करना जरूरी। ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं लेकिन जलाभिषेक कर सकेंगे श्रद्धालु, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज और बैंक। हरियाणा के नूह में तनाव के बीच बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश के 90% संपत्तियों का नाम गांधी नेहरू परिवार पर क्यों। दिल्ली वासियों को 5 से 15 सितंबर तक झेलनी पड़ सकती है कई असुविधाएं, बदले जाएंगे ट्रैफिक नियम। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने किया सनातन धर्म का समर्थन, कहा इस धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तराखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक को किया संबोधित, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन, इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा चांद के बाद अब शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी में भारत। हरियाणा के टोहाना में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा MSP कानून लागू नहीं हुआ तो फिर होगा किसान आंदोलन। 2.5 साल में मुंबई की सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त, सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र के लोगों से किया दावा। यूपी कांग्रेस ने जारी की प्रवेश प्रवक्ताओं की लिस्ट, सूची में CP राय, प्रियंका गुप्ता समेत 15 लोग शामिल। मिशन चंद्रयान पर भारत की स्पीड का प्रतीक, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दुनिया ने देखी चंद्रयान की सफलता, अब G20 पर नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में करेंगे क्षेत्रीय परिषद की बैठक, यौन अपराध और दुष्कर्म जैसे मामलों पर होगी चर्चा। मंदिर मस्जिद बुलडोजर से नौकरी नहीं मिलती, यूपी से बिहार पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया सीएम योगी पर हमला। G20 समिट के वक्त होगी परेशानी, पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से मांगी माफी, बोले देश की इज्जत पर आंच न आए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य, सीएम अशोक गहलोत बोले प्रदेश में महंगाई का बोझ हुआ कम। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6000 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी, कांग्रेस भाजपा में श्रेय लेने की लगी होड़। राजस्थान की गहलोत सरकार ने शुरू किया गुड और बेड टच अभियान के तहत 60 लाख से ज्यादा बच्चों को किया जाएगा अवेयर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केरल के मंदिर पहुंचे इसरो प्रमुख सोमनाथ, बोले भारत हर ग्रह की यात्रा में सक्षम। अब बासमती चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी, अब सिर्फ $1200 प्रति मेट्रिक टन से कम भाव वाले बासमती चावल ही भेज सकेंगे देश से बाहर। गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, KGF 2 को भी पछाड़ा पठान, बाहुबली 2 के बाद अब थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बनी। सनातन धर्म ने जाति के नाम पर देश को बांटा, तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर का विवादित बयान। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ केस कर सकता हूं, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम को दी लास्ट वार्निंग। इंडिया गठबंधन का लोगो बनाने में जुटे विपक्षी दल, मुंबई की बैठक में होगा फैसला। SBI सहित सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ सकता है 2 साल, केंद्र सरकार कर रही विचार। चंद्रयान की तरह राजस्थान में सफल होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले अब कांग्रेस का जाना तय।
पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाली सरकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजुमदार ने ममता सरकार पर किया तीखा प्रहार। जेडीयू के दिग्गज नेता महाबली सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला का खतरे में देश का लोकतंत्र, मोदी सरकार के झूठ की पोल खोलेगी जेडीयू। पहले मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ और बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। चीन से आजादी के लिए भारत यूएस संबंध मजबूत करने जरूरी, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट विवेक रामास्वामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कांग्रेस महागठबंधन की सरकार ने 32 लाख करोड़ का किया घोटाला, मंत्री नित्यानंद राय ने लगाए गंभीर आरोप। चंद्रयान 3 मिशन में शामिल पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों को ममता सरकार करेगी सम्मानित, पत्र भेजकर दी बधाई। बिहार को यूपी से जोड़ने वाला करमनासा पुल हुआ क्षतिग्रस्त, एक माह तक चलेगा मेंटेनेंस कार्य, वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सुनाई कविता। जम्मू कश्मीर में छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा धार्मिक नारा तो प्रिंसिपल और टीचर ने पिटा, हंगामे के बाद दोनों गिरफ्तार। मुगलों के गुलाम आज हिंदुत्व सिखा रहे, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बोला हमला। कोविड महामारी ने दुनिया को बताई विकासशील देशों की अहमियत, बिजनेस समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एनसीपी बटने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित ने शरद पवार के गढ़ में किया शक्ति प्रदर्शन, कहा मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत के साथ जितनी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि मिलेगी। हरियाणा के नूह में जलाभिषेक, यात्रा से पहले पुलिस हुई अलर्ट, धारा 144 लागू, बॉर्डर किए गए सील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेर की मोड़ी चॉकलेट की कहानी, 70 महिलाओं की एक टीम ऊटी में चलाती है फैक्ट्री। लाल डायरी है तो सामने लाइए, राजस्थान सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हमले के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पूछा सवाल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, बोले अमेठी के लोगों को आ रही राहुल गांधी की याद। पीएम मोदी जनधन योजना के पूरे हुए 9 साल, 50 करोड़ से अधिक खुले खाते, लाभार्थियों को सीधी मदद से हुई बड़ी बचत। महिलाओं को तोहफा रोडवेज के बाद अब आगरा सिटी बस में भी रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा करेंगी महिला। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को दिए 11 वचन, कहा डूबती नया बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही बीजेपी। जी हां, मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ साथ प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है। मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब न हो। उन्होंने आगे कहा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बीजेपी सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए नहीं बल्कि अपनी डूबती नया बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। पिछले 18 साल के शासनकाल के बाद जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े वो दल और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है, जो जनता का कभी हित नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 11 वचन, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली बिल और फसल कर्ज माफ होगा। 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 12 घंटे सिंचाई बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जातिगत जनगणना का लाभ मिलेगा और किसान आंदोलन के मुद्दा में हटाए जाएंगे।